हेलो एवरीवन, वेलकम टू IBPS गाइड। सो आज के सेशन में मैंने एक लीनियर पजल ली है, लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट ली है जो मैंने कल होमवर्क में दी थी, और एक सिंपल सा 2 मिनट का आपका स्क्वायर अरेंजमेंट है, फिर कुछ 5 के से लॉग्स हैं और 5 इनइक्वालिटीज़ हैं। ओके, आज के सेशन के लिए इतना ही है। आज डे 15 है और आपको अगर कोई डाउट होता है, आपके मॉक टेस्ट आप देते हो, जब कोई भी प्री का देते हो या मेंस का देते हो, आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे मेल कर सकती हो उसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके, और बता के कि सर ये क्वेश्चन है और आपका क्वेश्चन नंबर ये है और मॉक टेस्ट इसका है, ठीक है। बस इसके बाद मैं आपको वो खुद ही मैं आपको यूट्यूब पे बता दूंगा, उसका सॉल्यूशन पूरा कायदे से एक्सप्लेन कर दूंगा कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप मॉक टेस्ट परचेस करना चाहते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। और सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए किसी भी क्वेश्चन का, जो आपको डाउट लगे, आपसे नहीं बना है, आप कुछ उसमें सीखना है, तो आप बता सकते हैं मुझे। मैं अब कल के सेशन में, जैसे कि मैंने कल छोटा सेशन लिया था, ये वाला क्वेश्चन थे सब सारे आपको पता होंगे। अब यहाँ पे कल मुझे एक्चुअली कोई है सब्सक्राइबर, मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्टली नाम उनका, मेहंदी करके हैं उनका नाम, मुझे नहीं आइडिया है अभी, तो मैं एक बार बताता हूँ। तो उनका डाउट था और बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर ये नाइदर होगा, आप एक बात बताओ, सिर्फ मुझे एक लॉजिक बता दो आप मुझे। जब यहाँ एन इक्वल्स टू आर बोला हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ एन इक्वल्स टू एस बोला गया है, तो n इक्वल्स टू s इक्वल्स टू r कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। मतलब कि ये हो गया ना कि n की वैल्यू को हम s से रिप्लेस करें या s को हम n से करें। तो यहाँ मुझे आइदर कंडीशन लगाने के लिए वेरिएबल सेम बनाने हैं, तो r है यहाँ, s है यहाँ, ठीक है, r है यहाँ, s है यहाँ। मैंने क्या किया, मैंने n इक्वल्स टू s जब बताया गया है कि n जो है वो s के बराबर है, तो मैं यहाँ पे n की वैल्यू एस मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता हूँ, एन इक्वल्स टू एस, भाई एन की वैल्यू हम एस मान सकते हैं। और अब हम इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो मेरे पास आएगा ये आएगा कंबाइन करने के बाद, तो एस से आर हमको देखना है। तो आप एक बार देखो, एस से पी जाएंगे, पी से सी जाएंगे, सी से आर जाएंगे, बिल्कुल पाथ बन रहा हो, मुझे ये दिख भी रहा है एस से आर, तो इसीलिए तो मैंने आइदर लगाया था, इसलिए कंफ्यूज मत हो, ठीक है, हो गया क्लियर। नेक्स्ट बढ़े, देखो इसका होमवर्क मैक्सिमम बच्चों ने किया था और मज़ा आ गया था। और अच्छा, इस सेशन में भी एक होमवर्क देंगे, ठीक है ना, कल के लिए, उसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, क्या कह रहा है, 10 पर्सन हैं पैरेलल रूम में बैठे हुए हैं, रोवन क्या है नॉर्थ की ओर देख रही, तो आपको 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इतना करने के बाद तुरंत एक और पॉसिबिलिटी बना लो, एक और पॉसिबिलिटी, जैसे भी आप लाइन खींचना चाहते हो तो आप लाइन खींचो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसी तरीके से करो, ठीक है ना। मैं बना देता हूं, कॉपी नहीं हो रहा है, उसके बाद 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दो केसेस बना दिए। अभी कह रहे हैं कि रोवन में कौन है, जो कि आपके नॉर्थ में देख रहे हैं, तो ये आपके रोवन हो गए, और उसमें ए टू डी तक, ए बी सी डी ई करके इस तरीके से, और रोटू वाले ये हो गए जो कि साउथ की ओर देख रहे हैं, सेम चीज़ यहाँ, रोटू ये हो जाएगी, रोवन ये हो जाएगी, है ना, यही होगा। आगे देखो कहते हैं, बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई एंड वन ऑफ देम सेट एक्सट्रीम एंड, तो साइड सी बात है, बी जो है थर्ड टू द राइट ऑफ ई, तो पहले एक बार ई को मैंने यहाँ बैठा ला, भाई रोवन में ही तो बैठ रहे हैं ए बी सी डी, तो 1 2 3 बी यहाँ आ जाएगा। यहाँ वाले केस में ई को अगर मान लो यहाँ बैठा रहा तो बी यहाँ आ जाएगा, और एक बार बी कॉर्नर पे और एक बार ई कॉर्नर पे है, तो बिल्कुल यहाँ तक तो बात क्लियर है। वो पेयर जो कि बैडमिंटन लाइक करता है, सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी हु डज नॉट लाइक क्रिकेट। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, पहले तो पर्सन जो हैं वो कर रहे हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स लाइक करते हैं, ठीक है ना, पर्सन डिफरेंट, तो द पर्सन हु आर फेसिंग ईच अदर लाइक द सेम स्पोर्ट, मतलब ये दोनों सेम, 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 इस तरीके से। तो ये कह रहा है कि द पेयर ऑफ हु लाइक बैडमिंटन इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी है तो बैडमिंटन यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पे बैडमिंटन यहाँ लिख दोगे, बैडमिंटन यहाँ लिख दोगे, है ना। लेकिन बी को याद रखना हमेशा, बी को क्रिकेट नहीं पसंद है, बी को क्रिकेट नहीं पसंद है। वन पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड पी एंड नाइदर ऑफ देम सिट एट एनी ऑफ द एंड, एस वन पर्सन पी ये दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं, और कोई भी इन दोनों में से आइदर एंड पे बैठा है, मतलब कोई भी नाइदर एंड पे बैठा, मतलब ना तो यहाँ बैठा है ना तो यहाँ बैठा है, और यहाँ पे भी कोई नहीं बैठा है, समझे, यहाँ यहाँ पे कोई नहीं बैठा है, मतलब एस या पी में से कोई नहीं बैठा है, और एस और पी आने आपके रो टू में ही है। आगे कहता है, टी सिट्स एट वन ऑफ द एंड एंड डज नॉट लाइक फुटबॉल, सीधी सी बात है, टी किस लाइन में बैठेगा, यहाँ है, टी यहाँ आ सकता 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 है। आगे पढ़ा जाए, सी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई,
ई के सेकेंड राइट में तो सी ए आएगा, ई के सेकेंड राइट में सी ए आएगा, है ना, यही करेंगे। टी सिट एट वन ऑफ द एंड एंड डज नॉट लाइक फुटबॉल, आगे कहता एस लाइक क्रिकेट, तो एस को तो क्या पसंद है, क्रिकेट पसंद है, समझते जाइएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। डी लाइक्स फुटबॉल एंड सिट वन ऑफ द एंड, अब सुनो डी जो है लाइक करता है फुटबॉल, ठीक है, डी को क्या पसंद है, फुटबॉल पसंद है, और वो क्या कर रहा है, एट वन ऑफ द एंड बैठा है, तो ए बी सी डी ई वाली तो यही वाली है ना, तो डी फुटबॉल यहाँ आ जाएगा ना, और फुटबॉल यहाँ आएगा क्योंकि दोनों सेम प्लेयर है, और मुझे बताया था टी जो है आपकी रोटू में आएगी और टी फुटबॉल नहीं, तो टी यहाँ ना होकर टी यहाँ फिक्स हो जाएगा, हो जाएगा सेम चीज, यहाँ पे आप करोगे डी, यहाँ पे करोगे फुटबॉल, यहाँ लिखोगे, है ना, यही करोगे फुटबॉल के सामने फुटबॉल आ जाएगी, और टी यहाँ ना होकर टी यहाँ हो जाएगा। अभी सही है यहाँ तक, क्लियर है चीज़ें, आई होप क्लियर होंगी। मुझे बताया था एस और पी, मतलब एस और पी, एस और पी ऐसे ही आएंगे, और कहीं ऑप्शन दिख नहीं रहा ना, क्योंकि दोनों में से कोई भी एंड पे नहीं बैठा है, यहाँ वाले ऑप्शन देखो एस और पी, एस और पी, और कहीं हम कर नहीं सकते, तो एस या फिर पी, एस या फिर पी, यहाँ पे देखो एस या फिर पी, एस या फिर पी, अच्छा यहाँ देखो ए बचा, तो ए यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, सिंपल है ना, है ना, आसान है। आगे देखो क्या कहता है, क्यू डज नॉट लाइक फुटबॉल, तो भैया देखो यहाँ पे क्यू को लिखना है, क्यों फुटबॉल नहीं लाइक कर रहा है, तो क्यों बैडमिंटन लाइक करेगा ना, है ना, क्यों फुटबॉल नहीं कर रहा है तो क्यों फुटबॉल ये करेगा, और कौन सा पी क्यू आर, आर बच रहा है, आर आपका एक बार ये आ जाएगा और एक बार ये आ जाएगा, सिंपल, आपने पर्सन तो फिक्स कर दिया, बैडमिंटन गेम्स को फिक्स करना है। नन ऑफ पेयर सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड लाइक हॉकी, तो मतलब हॉकी ये नहीं, हॉकी ये नहीं है, मतलब हॉकी ये नहीं होगा, तो ऑफकोर्स ये नहीं होगा क्योंकि ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे। अच्छा क्यू डज नॉट फेस ए, यहाँ पे तो क्यों फेस कर रहा है ए को, तो ये वाला केस तो मेरा रिजेक्ट हो गया बिल्कुल, अब मेरे पास यही वाला केस बचा है मेरे पास। अच्छा आगे क्या बोला था कि अगर हम एस यहाँ लिखते तो क्रिकेट है और उसके सामने भी बी भी क्रिकेट हो जाएगा, और मैंने बताया था बी क्रिकेट नहीं होगा, तो कन्फर्म है कि यहाँ एस की जगह यहाँ पे आएगा पी आ जाएगा कन्फर्म, और यहाँ हो जाएगा एस, क्योंकि एस जो है वो क्रिकेट लाइक करता है, जैसे ही पता चला क्रिकेट तो ए भी क्रिकेट लाइक करेगा, है ना, सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं। अच्छा देखो हॉकी यहाँ नहीं आएगा, हॉकी नहीं आएगा, तो हॉकी हॉकी यही आएंगे ना, हॉकी और हॉकी, अब जो बचा आपका टेनिस बचा, टेनिस ये हो जाएगा और टेनिस ये हो जाएगा, है ना, सही है ना, बोलो सही है। अब क्वेश्चन देखो कितना इजी बोला है कि हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ, अच्छा पता है मेरे क्वेश्चंस के आंसर जो है हाईलाइटेड है, बट मैं काम करता हूँ मैं उनको अनलाइट कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप जब मैं क्वेश्चंस दिखाऊँ तो एक बार आप लोग खुद से एक बार बोल दो कि सर इसका आंसर ये है, ठीक है। चलो चलो पहला क्वेश्चन तो आंसर आप लोगों को पता चल गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु फेसेस डी, सो डी को किसने फेस किया है, इसने, और इमीडिएट राइट में कौन है, ये वाला ना, डी को किसने फेस किया है, ये है, उसके इमीडिएट राइट में तो ये हो जाएगा क्योंकि ये जाले सभी लोग आपके साउथ हैं, तो इमीडिएट राइट इस तरफ होगा, तो आंसर आपका पी आ जाएगा, ठीक है ना। अब सुनो क्वेश्चन नंबर टू देखो क्या है, है ना, क्वेश्चन नंबर टू कहता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू द वन हु लाइक हॉकी, हॉकी के रिस्पेक्ट में सी की पोजीशन क्या है, हॉकी के रिस्पेक्ट में सी की पोजीशन है इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट में है, इमीडिएट लेफ्ट में है, तो इमीडिएट लेफ्ट में है, इमीडिएट लेफ्ट में है ना, इमीडिएट लेफ्ट में हु फेसेस आर, हु फेसेस आर, आर को फेस करता है डी द वन हु लाइक फुटबॉल, डी हु फेसेस आर, हु फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ ई, इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ई कहाँ है, ई ये रहा, ई ये रहा, हु फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ये एस, एस जो कि क्रिकेट पसंद है, जिसको क्रिकेट पसंद है, द वन हु लाइक क्रिकेट, द वन हु लाइक क्रिकेट। अब क्वेश्चन नंबर फाइव को आप लोग खुद कमेंट को देखो, मैंने हाईलाइट क्वेश्चन हटा दिया है, तो आप कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या है, है ना, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं किसी को यहाँ तक, देखो देख लो एक बार आंसर, फिर से सोल्यूशन देख लो। इसके बाद ये जो क्वेश्चन आ रहा है स्क्वायर अरेंजमेंट, सीरियसली गाइस ये दो मिनट से ज़्यादा का टाइम है ही नहीं आपके पास, आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस अब तक हो जानी चाहिए कि आप इस क्वेश्चन को दो मिनट में उड़ा दो। क्या बोलता है, एट स्टूडेंट है जो कि अराउंड बैठे हैं स्क्वायर टेबल में, फोर सेट एट द कॉर्नर और फोर जो कि मिडल में बैठे हैं, और जो कहता है कि कॉर्नर वाले हैं वो फेसेस आउटसाइड कर रहे हैं, और जो साइड वाले हैं जो कि आपके सेंटर पे कर रहे हैं। सबसे पहले जल्दी से ऐसा बनेगा डायग्राम, ऐसा ऐसा ऐसा, यही बनाओगे ना, यही सब करोगे, और कोई ऑप्शन तो नहीं है ना,
एक डायग्राम में आप लोग पेंसिल ले जाओगे ना अगर, तो एक ही डायग्राम में आप लोग काम खत्म कर दोगे इसका। क्या कह रहा था कि जो कि कॉर्नर पे बैठे हैं फेसेस आउटसाइड, कॉर्नर वाले जो हैं आपके आउटसाइड वाले हैं, और बाकी के जो है ना आपके वो कहाँ देख रहे हैं, इनसाइड 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 और इनसाइड, ठीक है ना। अब देखो जे सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एक्स, जे सिट्स इन द मिडल ऑफ द टेबल। तो अब जे को कहीं यहाँ बैठाने का मन कर रहा है, यहाँ बैठा लो, यहाँ कर रहा है, यहाँ बैठा लो, यहाँ कर रहा है, यहाँ बैठा लो, है ना। जे सिट्स इन द मिडल ऑफ द टेबल, तो जे को मैंने यहाँ बैठा दिया, कोई दिक्कत नहीं। पर बोला जे सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एक्स, मतलब क्या हुआ, जे और एक्स आमने सामने होंगे, है ना। तो जे और एक्स, क्योंकि फोर्थ बोला है और नंबर ऑफ पर्सन एट है, तो हमेशा याद रखना है इस टाइप में कि आमने सामने आ जाते हैं, ठीक है ना। आगे आगे देखो क्या बोला, नाइदर एम और जेड इज अ इमीडिएट नेबर ऑफ जे, ना तो एम यहाँ आएगा, ना तो जेड इधर आएगा, ना तो जेड और एम इधर नहीं आएंगे, ठीक है भाई, हमने समझ लिया। एम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जेड हु इज अपोजिट टू के, अच्छा एम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जेड, एम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जेड, जेड के 1 2 3 एम आ जाएगा, और जेड को कौन फेस किया हुआ है, जेड को कौन फेस किया है, जेड द वन हु लाइक फेस इट, जैसे कहाँ की लाइन, हु सिट्स अपोजिट टू के, हु सिट्स अपोजिट टू के, अच्छा ये बात कह रही है, और ये है थर्ड राइट में ना, थर्ड राइट में, तो जेड इधर नहीं आएगा, जेड इधर, अगर जेड हम इधर सोचे होते तो जेड के थर्ड राइट में फेसिंग जेड, तो 1 2 3 एम आता, जो कि एम जे के नेबर में नहीं होगा ना, ना तो जेड ना तो एम, अभी यही तो बोली थी बात मैंने, है ना, नाइदर एम और जेड इज एन इमीडिएट नेबर, तो जेड यहाँ नहीं आ सकता बिल्कुल भी, जेड यहाँ आएगा तो 1 2 3 हाँ यहाँ जेड आ सकता है और एम इधर आ सकता है, ठीक है ना, और जेड के सामने फिर ये हो जाएगा के, ठीक है। आगे देखो, अगर यहाँ जेड रखते तो थर्ड राइट, थर्ड राइट बोला है ना, थर्ड राइट आपका क्लॉक बज जाएगा, 1 2 3 नहीं आएगा, जेड यहाँ रखते तो थर्ड राइट आपका ये आएगा। तो इतनी चीज़ें तो पता चलेगी कि यहाँ जेड है कि एम है हमें नहीं पता, यहाँ जेड है कि एम है हमें नहीं पता, लेकिन हाँ अगर जेड यहाँ होगा तो उसके सामने के लिख देंगे, अगर जेड यहाँ हो तो उसके सामने हम के यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। आगे देखो, एल सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एम, अच्छा तो अभी जब एम नहीं पता तो हम एल को कैसे फिक्स कर देंगे, तो लेकिन एल को आना है कॉर्नर पे। आगे देखो क्या बोला, एल से एंड ही इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एम, कौन, एल जो है इमीडिएट नेबर में नहीं, ठीक है, नाइदर जे और नॉर एक्स इज अ नेबर ऑफ वाई, जे और एक्स यहाँ वाई का नेबर नहीं, वाई यहाँ नहीं आएगा, वाई यहाँ नहीं आएगा, वाई अब तो कन्फर्म वाई यहाँ हो गया, जैसे ही मुझे पता चला वाई ये हो गया ना, तुरंत यहाँ एम लिख दो आंख बंद करके भाई, क्यों, क्योंकि जेड यहाँ लिखेंगे तो उसके सामने के आना चाहिए, नहीं आ सकता, तो जेड यहाँ आ जाएगा आप कन्फर्म, उसके सामने के आना था, के यहाँ आ जाएगा कन्फर्म, और कौन बच रहा है, अब दो लोग बच रहे हैं, दो लोग बच रहे हैं, अब आपके आपके बच रहा है, एक तो एन बच रहा है, और जे हो गया, के हो गया, एल, एल बच रहा है, और एल से हमें एक बात बोली तो गई थी अभी, ये देखो एल से एक पॉइंट बोला गया था, एल से एट द वन ऑफ द कॉर्नर एंड इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एम, एम के नेबर में एल नहीं आएगा, एल यहाँ आ जाएगा, एन ये हो जाएगा, बताओ ये दो मिनट से लेस का था कि नहीं था क्वेश्चन। अभी कह रहा है हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन एम एंड वाई, एम कहाँ है, एम ये है, और वाई कहाँ है, ये है, तो एग्जैक्टली बिटवीन तो आपका एक्स और जे होगा, जब हम जिस हिसाब से हम देखेंगे क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक, तो बोला गया कि वैन काउंटेड इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन ऑफ एम, मतलब इस तरीके से, तो मतलब एग्जैक्टली बिटवीन तो जे है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू एल, एम की पोजीशन क्या है एल के रिस्पेक्ट में, तो ये है आपकी, ये राइट हो जाता है, ये राइट, 1 2 3 थर्ड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में, थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, ऑप्शन नंबर सी, थर्ड टू द लेफ्ट, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द पर्सन सीटेड इन द मिडल ऑफ द साइड हु फेसेस ईच अदर, मिडल साइड में तो एक्स और जे ही हैं और वाई और एम है, एक्स और जे और वाई और एम, वाई और एम है, एक्स और जे नहीं है, तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट। अगर के को मेड करते हैं टू फेस द अपोजिट डायरेक्शन हु वुड सिट इन द इमीडिएट राइट ऑफ इमीडिएट इमीडिएट राइट, अच्छा के है, के को अपोजिट डायरेक्शन में कर दो मतलब इनसाइड, तो इमीडिएट राइट क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा ना, एंटी क्लॉकवाइज चला जाएगा, तो आंसर आएगा एम, ऑप्शन नंबर डी। या क्वेश्चन नंबर 10 को कमेंट करो, देखो कमेंट करके बताओ मुझे, दो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, ठीक है, कमेंट करिए। अच्छा ये बात बताइएगा आप लोग अपना कमेंट करिएगा टाइम कि आपने कितना टाइम लिया है, ठीक है ना, तो मुझे थोड़ा सा सही लगेगा तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा कि हाँ बिल्कुल सही टाइम है आपके लेने का, ठीक है। तो मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि टाइमर के साथ लगाइए, अब आप, आपके पास अब वो टाइम नहीं है कि आप सुकून से बैठ के एक लाइन को ध्यान से प्यार से पढ़ रहे हैं और उसके बाद कर रहे हैं, नहीं, जल्दी जल्दी आप पढ़ने की करिए ना, रीडिंग हैबिट तो को तेज तेज बढ़ाइए अपना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे क्या है मेरे पास, आते हैं 10 क्वेश्चन हो गए आपके, आगे आता है सिलॉक्स का। देखो क्वेश्चन नंबर 11 का कहता है सम क्लास आर सिलेबस,
तो बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाई हो, ठीक है ना। क्लास, सम क्लास आर सिलेबस, समझे, ऑल कॉलेज आर सिलेबस। तो जितना भी कॉलेज है ना, कॉलेज वाला एरिया वो आ जाएगा इसके अंदर, कॉलेज, ऑल कॉलेज आर सिलेबस एंड ऑल एग्ज़ाम्स आर क्लास, ऑल एग्ज़ाम्स, तो ऑल एग्ज़ाम्स भी इसके अंदर आ गया। अब कहता है सम क्लास आर नॉट कॉलेज इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्लास और कॉलेज में सम क्लास, सुनो हिंदी समझो उसकी, कुछ क्लास के कॉलेज के ना होने की ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो हम क्या करेंगे, पहले पूरा क्लास देखेंगे, पूरा क्लास, पूरा क्लास, पूरा क्लास ये रहा, कॉलेज ये रहा, तो पूरा क्लास कॉलेज में आराम से आ सकता है और नहीं भी आ सकता। तो हाँ, हमें क्लास और कॉलेज में रिलेशन नहीं पता है, डाउट में जाएगा वो पॉसिबिलिटी जाएगी, तो पॉसिबिलिटी डाउट में जब जाती है और पॉसिबिलिटी लगा रहता है तो हमें क्या होता है, वो तो करेक्ट हो जाता है। तो ये सही, सम सिलेबस इज एग्ज़ाम सिलेबस, यहाँ एग्ज़ाम यहाँ, तो कैसे होगा, तो इसका ही गलत आंसर। सम क्लासेस आर सिलेबस, ऑल क्लास, तो इसी के लिए सेम है, ऑल एग्ज़ाम्स आर, अच्छा ऑल एग्ज़ाम आर सिलेबस, ऑल एग्ज़ाम आर सिलेबस नहीं कह सकते, डाउट में चला जाएगा। नो एग्ज़ाम आर कॉलेज, एग्ज़ाम और कॉलेज के बीच में नो का रिलेशन हम कन्फर्म नहीं कर सकते, लेकिन हो भी सकता और नहीं भी, तो इसको मैं सही करूँगा, ठीक है कि नहीं, क्लियर है। अच्छा अब आता है क्वेश्चन नंबर 13, नो वाटर इज बॉटल, अच्छा क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। वाटर नहीं है, कोई भी वाटर जो है वो बॉटल नहीं है, ऑल मिनरल आर बॉटल, अच्छा रुक जाओ इसको थोड़ा सा बड़ा बना लो और कहो ऑल मिनरल आर बॉटल, ठीक है। सम लिक्विड आर वाटर, सम लिक्विड आर वाटर, आगे देखो, सम बॉटल्स आर लिक्विड इज डेफिनेटली ट्रू, सम बॉटल्स, कुछ बॉटल क्या हैं, लिक्विड होंगे, ये डेफिनेटली ट्रू पता नहीं है भाई, बॉटल ये रहा, लिक्विड ये रहा, तो कोई कनेक्शन तो दिख नहीं रहा है, तो क्या होगा आंसर इसका, ऑफ कोर्स ये तो गलत हो जाएगा। आगे कहता है नो मिनरल आर इज वाटर, नो मिनरल इज वाटर, मिनरल यहाँ है, वाटर यहाँ है, और मिनरल किसके अंदर है, बॉटल के अंदर है, बॉटल के अंदर, तो जब ये वाली बॉटल की लड़ाई वाटर से है तो इसके अंदर वाली की भी लड़ाई वाटर से होगी, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका आंसर होगा ओनली टू फॉलोस। अच्छा उसके बाद क्या है, 14 टू 16 जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास वो इनइक्वालिटी के हैं, तो चलो और इनइक्वालिटी देख लेते हैं, इसके बाद हम आपको होमवर्क क्वेश्चन दिखा देंगे, बस सेशन क्लोज कर देंगे, छोटा सेशन पर सही क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए आगे क्या कहता है, नहीं आप लोग बहुत टाइम से कह रहे थे, अच्छा दूसरी चीज़ एक बात है आप लोग से बस कहना चाहता हूँ कि आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो अब मैं ये नहीं बोलने वाला हूँ कि आप लोग मॉक टेस्ट परचेज करो, नहीं ऐसा नहीं है, मैं कह रहा कोई भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ और कोई डाउट है आपको तो मैं ज़रूर कमेंट कर रिप्लाई करता हूँ, आप लोग इस बात से एग्री करते हैं कि रोहित सर रिप्लाई करते हैं, बट अगर मैं रिप्लाई में समझा रहा हूँ और समझाने के बाद आप उस पर कहते हो कि नहीं सर ये ऐसे है, तो मैं फिर से रीचेक करता हूँ कि ठीक है यार क्या पता मैं ही गलत हूँ या कहीं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग कहते हो नहीं सर आप गलत हो, आप गलत नहीं, ये ऐसा एटीट्यूड अच्छा नहीं होता है, जब मैं दो तीन बार बता रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसे, तो इसको चीज़ को माना करो, ठीक है ना। चलो और अभी भी कुछ उसके बाद डाउट हुआ करें तो आप लोग मुझे मेल क्यों नहीं करते हो, आप मेल करो अपने सॉल्यूशन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ मेल करो, जब आप दावे के साथ कह सकते हो कि ये चीज़ गलत है तो आप उसको एक्सप्लेनेशन के साथ किया करो, ठीक है ना, तभी हम समझेंगे भाई, क्या पता हमें कोई नया कंसेप्ट पता चले, ठीक है। चलो क्या कहता है देखो, जैसे कि इनइक्वालिटी का कल ही वाला क्वेश्चन, जब मैं बता रहा हूँ तो आप समझ नहीं रहे उसके बावजूद भी आप अपनी इज्जत पे पड़े हुए हो ना, क्वेश्चन को कभी ईगो पे मत लिया करो, ठीक है। चलो आगे क्या कहता है कि हमें ये ब्रेक में स्टेटमेंट दिए, इन दोनों में कॉमन बताओ जल्दी, तो जवाब दिखेगा सर W कॉमन है, अब हमें U से K जाना है, तो U से हम W चले जाएं, सॉरी U से हम Y जाएंगे और Y से W चले जाएंगे, पर W से हम K की अगर जाने की बात करें तो दरवाज़ा मेरा बंद हो जाएगा, तो मैं तो बिल्कुल गलत कर दूंगा, ये गलत है, K से Z जाना है, K से Z तक जाना है, तो K से W चले जाएंगे, W से X जाएंगे और X से Z जाएंगे, तो पूरे पाथ में G से K से Z जाके हमें यही वाला सिंबल मिल रहा है, तो मेरा ये आंसर सही है। बस मैं यहाँ पे देखो, अच्छा ये जो कर रहा हूँ ना ये काम ऐसे एरो, नहीं ये एग्जाम में आपको थोड़ी ना करना है, कॉमन बस ऑब्जर्व किया, अच्छा कॉमन ये है तो बस यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं, तो बस दिमाग में ही मूवमेंट कराओ और आंसर निकाल दो, ठीक है ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, लिख रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, ज्वाइन करने के बाद उसको ऑब्जर्व कर, नहीं भाई इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। एच से यू जाना है तो एच से जे हम, अच्छा कॉमन बताओ जे ही है, तो एच से जे चले जाएंगे और जे से यू चले जाएंगे, और पूरे पाथ में मुझे एक सिंगल मिला है, तो मेरा बिल्कुल ये है सही है जी। नेक्स्ट कहता है कि जी से एम बताओ, जा पा रहे हो, तो जी से एच चले गए, ठीक है ना, और
एच के बाद हम एम पे चले गए, ठीक है, जी से एच चले गए और एच से एम चले गए और एक बार हमको ये वाला सिंबल मिले, तो हम इसी वाले सिंबल को प्रायोरिटी देंगे ना कि इसकी प्रायोरिटी देंगे, समझ रहे हो यहाँ पे क्या हो क्या रहा है। तो मुझे साफ साफ दिख गया कि ये मुझे दिख रहा है कि फॉलो कर रहा है, तो ये मेरा सही हो जाएगा कि मुझे जी से एम जाना था और जी से एम मेरा फॉलो हो रहा है, तो इसका बोथ ट्रू हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या है और उसके बाद हम आपको होमवर्क दिखा देंगे, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, फिर से वही वाली चीज़ आ गई, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो मुझे ये दिखना चाहिए, और अगर अगर मुझे ये दिख गया स्टेटमेंट में तो मज़ा आ जाएगा। तो वाई से पी चेक करो, तो वाई से हम एस चले जाएंगे आराम से, और एस से हम एल जा सकते हैं, बट हम एस से डब्ल्यू तो चले जाएंगे, लेकिन डब्ल्यू से ना तो क्यू जा पाएंगे ना तो पी जा पाएंगे, तो हमारा टारगेट क्या है, पी तक पहुंचना, तो मैं नहीं जा पा रहा हूं, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। तो इसका आंसर होगा नाइदर वन नॉर टू, नाइदर वन नॉर टू, ठीक है। अब आ जाते हैं होमवर्क वाले क्वेश्चन की, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्री लेवल का है, ठीक है, चलो दिखाते हैं। चलिए ये रहा आपके सामने होमवर्क, अब एक बार बताइएगा आप लोग मुझे, आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, इसके ऊपर सेट ऑफ फाइव क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी दिखाऊंगा, तो आज आपको मज़ा आने वाला है, करिए आप इसको, और ज़रूर प्लीज़ टाइम ज़रूर कमेंट करिएगा कि टाइम क्या लगा आपको, ठीक है, आप अपना टाइम कमेंट करिए, ठीक है, प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप टाइम कमेंट करेंगे, क्योंकि इसमें मैंने 5 क्वेश्चन भी दिए हैं, तो आप फुल टाइम करोगे कि हाँ सर मुझे पूरा 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद मैं कह सकता हूँ मेरा टाइम इतना लगा है, ठीक है ना। चलो देख लो, शायद अब यार देखो कमेंट ये भी था कि फॉन्ट बहुत छोटा था, तो फॉन्ट देखो मैंने काफ़ी बड़ा कर दिया, इसके बावजूद भी आपको नहीं दिख रहा है, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर आई डॉक्टर, ओके चलो ठीक है, अरे किडिंग कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, चलो दिल पे मत लेना कि सर तो अंधा बोल रहे हैं, सर खुद चश्मा लगाते हैं क्या, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, जब एक बार कंप्लीट आप सॉल्व कर लोगे ना, तब आप आना ये सारे क्वेश्चन देखने के लिए, ठीक है, धीरे धीरे करके मैं दिखा दूंगा, ये देखो सारे दिखा रहा हूँ धीरे धीरे करके, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है, क्लोज करते हैं आज का सेशन, कल के सेशन में यही क्वेश्चन से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, और ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। प्लीज़ फ्रेंड्स बी फोकस ऑन ओनली IBPS PO राइट नाउ, अपना दिल इधर उधर ना बहकाओ, ठीक है, चलो टाटा, मिलते हैं कल IBPS RRB PO मेंस की क्लास के लिए, नया टॉपिक लाते हैं, बॉक्स बेस्ड इनपुट आउटपुट क्वेश्चन करते हैं, नहीं कराए हैं एक भी सेशन, कराते हैं, चलिए ठीक है, टाटा बाय बाय।